Good morning, dear all. I hope you all are well at your home. In our previous lecture, we were discuss about city sobriquet. Now, today's topic is seven wonders of the world. Okay, so let's start. Seven wonders of the world. Oho, matlab duniya ke saat ajoobe. ओके तो कौन कौन एक्साइटेड है आज की क्लास के लिए? ओहो वेरी गुड, मतलब सब एक्साइटेड है ना. ओके तो आज हम क्या देखते हैं, हमारे वर्ल्ड के सेवन वंडर्स कौन कौन से हैं. ओके ओके सो फर्स्ट वन इज़ चिचेन इट्सा मैक्सिको. चिचेन इट्सा कहाँ पर है? मैक्सिको में है. चिचेन इट्सा इज़ अ मैसिव मायान सिटी विच वॉज बिल्ट अराउंड 600 AD to 1200 AD. It is famous for its underwater rivers and open freshwater sinkholes. Okay, so Chichen Itza क्या है? ये बहुत ही विशाल मयान शहर है. Okay, इसको 600 AD से 1200 AD के आसपास ही बनाया गया था. अब ये फेमस क्यों है? ये फेमस इसलिए है कि यहाँ पे पानी के नीचे नदियाँ हैं और खुले मीठे पानी का सिंक होल है, तो ये उस वजह से क्या है, ये फेमस है. ओके नेक्स्ट इज क्राइस्ट द रिडीमर ब्राज़ील. द आइकॉनिक स्टैचू ऑफ जीसस क्राइस्ट वॉज कंप्लीटेड इन 1931. इट स्टैंड्स 98 feet टॉल with its arms outstretched in Rio de Janeiro in Brazil. So, ये जीजस का एक आइकॉनिक स्टैचू है जो कि 1931 तक बनकर कंप्लीट हो गया था. ओके ये 98 feet लंबा स्टैचू है इनकी खुली हुई बाहों के साथ. अच्छा इनके हाथ देखिए आप लोग, ऐसे खुले हुए हैं ना, तो ये खुली हुई बाहों के साथ 98 feet लंबा स्टैचू है जो कि ब्राज़ील में है. और ब्राज़ील में कहाँ पर है? रियो डी जेनेरियो में इनका इनका स्टैचू बना हुआ है. ओके तो ये था हमारा नेक्स्ट वंडर. ओके थर्ड वन इज़ माचू पेचू पेरू. माचू पेचू इज़ बिल्ट इन द इंकन एम्पायर 7000 feet अबव सी लेवल. It's estimated that only about 750 people lived here as it was a royal estate rather than a proper city. So, Machu Picchu समुद्र तल से 7000 feet ऊंचे साम्राज्य में बनाया गया है. यह अनुमान लगाया जाता है कि ये लगभग 750 लोग यहाँ पर रहते थे, क्योंकि यह एक नॉर्मल सिटी की जगह है. क्या थी? एक शाही संपत्ति थी, मतलब ये नॉर्मल सिटी ना होकर एक शाही संपत्ति थी, कोई साम्राज्य था बड़ा सा, तो इसलिए ऐसा अनुमान लगाया जाता था. ओके 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 नेक्स्ट वन इज़ पेट्रा जॉर्डन. ये कहाँ पर है? जॉर्डन में है. पेट्रा इज़ बिलीव्ड टू हैव बीन स्टेबलाइज्ड अराउंड 300 BC. पेट्रा इज कार्व्ड इनटू द रॉक फेस विच वॉज एक्चुअली अ सिटी. ओके सो ये माना जाता है कि लगभग 300 ईसा पूर्व BC को हिंदी में ईसा पूर्व बोलते हैं, में पेट्रा की स्थापना हुई थी. ठीक है, पेट्रा को रॉक फेस में कन्वर्ट किया गया था, मतलब तराशा गया था, जो रियल में एक क्या था, एक शहर था. तो ये कौन सा हमारा वंडर हो गया? फोर्थ. ओके नेक्स्ट इज ताजमहल इंडिया. ताजमहल कहाँ पर है? इंडिया में, आगरा में है ना ताजमहल. ओके एम्परर शाहजहाँ बिल्ट इट इन ऑनर ऑफ हिज वाइफ मुमताज इन 1648. अबाउट 20,000 लेबर्स एंड 1,000 एलिफेंट्स वर यूज्ड टू बिल्ड द मॉन्यूमेंट. शाहजहाँ ने 1648 में अब उनकी वाइफ मुमताज के सम्मान में इसको बनवाया था. इसको बनाने के लिए लगभग 20,000 लेबर्स लगे थे और 1,000 हाथियों का यूज़ किया गया था ताजमहल बनवाने के लिए.
ठीक है, ऐसा बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट इज द कलोजियम रोम। कलोजियम कहाँ पर है? रोम में। द कलोजियम वॉज बिल्ट इन रोम अराउंड 70 AD। इट्स एक्चुअली एन एम्पी थिएटर विथ 80 एंट्रेंसेस एंड कैन एकोमोडेट 50,000 पीपल एट अ टाइम। कलोजियम 70 AD के आसपास रोम में बनाया गया था। ये एक्चुअली में यहाँ पे क्या है, जो जहाँ से एंट्री करते हैं ना, जिसको हम प्रवेश द्वार बोलते हैं हिंदी में, तो कितने हैं? 80 हैं। इसके साथ साथ एक एम्पी थिएटर है और यहाँ पे एक टाइम में 50,000 से ज़्यादा लोगों को या 50,000 लोगों को इकट्ठा किया जा सकता है। ओके, लास्ट वन इज़ द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। द वॉल वर बिल्ट ड्यूरिंग द मिंग डायनेस्टी व्हेन द मिंग्स वर एट वॉर विथ मंगोलियंस अराउंड द 1300s। इट मेजर्स अबाउट 20,000 किलोमीटर्स एंड क्रॉसेस 9 प्रोविंसेस ऑफ चाइना। ओके, तो ये जो वॉल है ये मिंग राजवंश के दौरान बनाई गई थी। और ये कब बनाई थी? जब मिंग 1300 वर्ग मीटर के एरिए में मंगोलियन के साथ युद्ध कर रहे थे, उसी दौरान ये वॉल बनाई गई थी। ओके, तो यहाँ फिनिश होता हमारा आज का टॉपिक 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। अब आपको क्या करना है, इनके नेम लर्न करना है और कहाँ कहाँ पर ये हैं, किस किस जगह पे, किस किस कंट्री में है, वो भी आपको साथ साथ लर्न करना है। ओके, ये आपका होमवर्क है। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी और आपको अच्छे से समझ भी आ गया होगा। ओके ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।